हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के लेक्चर में। आज हमारा पार्ट टू लेक्चर है 12th कॉमर्स का मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक टू इंश्योरेंस एंड एनुटी। तो पार्ट टू में हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने लिटिल बिट इंट्रोडक्शन देखा, पॉलिसी वैल्यू क्या होती है, क्लेम क्या होता है और प्रॉपर्टी वैल्यू क्या होती है, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। और एक्सरसाइज 2.1 के हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखे थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1, और ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 2 के जैसा ही है। उसमें हमें अमाउंट ऑफ प्रीमियम निकालना था, यहां पर अमाउंट ऑफ प्रीमियम दिया हुआ है और रेट ऑफ प्रीमियम निकालना है और एजेंट्स का कमीशन निकालना है। तो सिंपल हमने क्वेश्चन नंबर 2 जैसा किया है, सेम टू सेम हम वैसे करने वाले हैं। तो जिन्होंने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है वे पहले पार्ट 1 देख लें फिर पार्ट 2 में, क्योंकि हर पार्ट में मैं 2 या 3 क्वेश्चन करने वाला हूं। इस तरह से लगभग हम 15 पार्ट का सीरीज पूरा बनाएंगे इस टॉपिक का। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन, व्हाइट चॉक से लिखता हूं मैं। अ पर्सन इंश्योर्स हिज ऑफिस वैल्यू एट ₹80% ऑफ इट्स वैल्यू। मतलब पर्सन जो है उसके ऑफिस की वैल्यू क्या है, प्रॉपर्टी वैल्यू है ₹5 लाख और उसने उसका पॉलिसी कराया 80% ऑफ इट्स वैल्यू। तो पॉलिसी वैल्यू क्या होगा, 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। फॉर द रेट ऑफ प्रीमियम इफ ही पेज ₹13,000 एज प्रीमियम, तो ₹13,000 क्या कर रहा है, प्रीमियम भर रहा है, तो हमें रेट ऑफ प्रीमियम फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड एजेंट्स कमीशन एट 11%। सो लेट अस स्टार्ट। तो प्रॉपर्टी वैल्यू इक्वल्स ₹5 लाख, ये प्रॉपर्टी वैल्यू है। आपको अमाउंट ऑफ प्रीमियम दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इक्वल ₹13,000, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज गिवन टू यू ₹13,000। वी हैव टू फाइंड एन एजेंट्स कमीशन 11%, एजेंट्स कमीशन इज गिवन टू यू 11%। Now, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अमाउंट ऑफ प्रीमियम। तो पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। देखिए गिवन ना, ये दिया हुआ है ना यहां पर, जो अ पर्सन इंश्योर्स हिज ऑफिस वैल्यू दैट इज ₹5 लाख 80% ऑफ इट्स वैल्यू। तो पॉलिसी वैल्यू इक्वल टू 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, 80% ऑफ ₹5 लाख, 20 से 20 कैंसिल, 8 5 40 एंड 1 2 3 4 0, तो क्या गया 4 लाख रुपीज आ गया। कितना गया 4 लाख, तो पॉलिसी वैल्यू 4 लाख है। अब पॉलिसी वैल्यू 4 लाख रुपीज पर हम क्या निकालेंगे, रेट ऑफ प्रीमियम निकालेंगे। तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम इक्वल अमाउंट ऑफ प्रीमियम is equals to rate of premium to be होगा upon 100 into policy value। तो amount of premium कितना दिया हुआ है आपको, 13,000 rupees, this is amount of premium। हमें rate of premium निकालना है, तो rate of premium upon 100 इंटू पॉलिसी वैल्यू इज ₹4 है, तो हमें रेट ऑफ प्रीमियम फाइंड आउट करना मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, 20 से 20 कैंसिल कर दो, ये 4,000 हो गया। तो 13,000 अपॉन 4,000 इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम, रेट ऑफ प्रीमियम। नाउ रेट ऑफ प्रीमियम मिल जाएगा कैसे, ये 30 से 30 कैंसिल कर दो, तो 13 इज डिवाइडेड बाई 4, तो आपको मिल गया रेट ऑफ प्रीमियम। तो रेट ऑफ प्रीमियम इक्वल 4 से डिवाइड कर दो 13 को, 4 3 12 पॉइंट लगाइए, 1 बचेगा नहीं, 4 2 8 एंड 4 5 15, दैट इज 3.25% इज द रेट ऑफ प्रीमियम। तो रेट ऑफ प्रीमियम मिल गया आपको। अब आपको क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड द एजेंट्स कमीशन एट 11%। एजेंट का कमीशन किस पर मिलता है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहां पर तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम दिया हुआ है 13,000 का 11% निकाल लेते हैं,
तो एजेंट्स कमीशन इज इक्वल टू 11% ऑफ प्रीमियम. तो 11% ऑफ प्रीमियम कितना है? 13,000 अमाउंट ऑफ प्रीमियम दिया हुआ है 13,000. सो निकाल लेते हैं, 2020 कैंसिल कर दो, 11 × 130 कर दिया जाए, 11 × 33 कैरी 3, 11 × 11 = 14, 1,430 रुपीज क्या हो गया एजेंट का कमीशन. तो इस क्वेश्चन में दो बातें निकालनी थी हमें, दो बातें फाइंड आउट करनी थी. पहले निकालना था फाइंड द रेट ऑफ प्रीमियम. सो देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ प्रीमियम इज 3.25% एंड एजेंट्स कमीशन रुपीज 1,430. दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड. ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स तक आ सकता है या 2 मार्क्स के लिए आएगा. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. सो नाउ दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4 एंड फ्रॉम माय साइड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी हार्ड क्वेश्चन. A building is insured for 75% of its value. मतलब बिल्डिंग की वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है, दिया हुआ नहीं है, लेकिन उसकी जो वैल्यू पॉलिसी वैल्यू है वो 75% है. द एनुअल प्रीमियम इज एट 0.7% अमाउंट टू रुपीज 2,625. मतलब जो सालाना प्रीमियम है, एनुअल प्रीमियम है, ईयरली प्रीमियम है, वो 0.7% के रेट से कितना अमाउंट देना पड़ रहा है प्रीमियम का, 2,625 रुपीज. तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम दिया हुआ है, रेट ऑफ प्रीमियम भी दिया हुआ है. इफ द बिल्डिंग इज डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 60% ड्यू टू फायर, आग लगने के कारण बिल्डिंग 60% तक डैमेज हो गई, तो हाउ मच कैन बी क्लेम अंडर द पॉलिसी. भाई बिल्डिंग का पॉलिसी कराया गया है, बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराया गया है, तो 60% तक बिल्डिंग डैमेज हो गई, उसके हिसाब से जो पॉलिसी वैल्यू है 75% की, उसके हिसाब से हमें कितना क्लेम मिलेगा. हम अगर हम क्लेम करते हैं तो कितना हमें इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो लेट अस स्टार्ट, दिस इज सॉल्यूशन. सबसे पहली बात तो यहां पे हमें प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं दी हुई है, बिल्डिंग की कीमत क्या है वो नहीं दी हुई है, तो हमें इसे एज्यूम करना पड़ेगा. तो लेट द प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बी रुपीज एक्स, हमने उसको एक्सेल पे जज़्म कर लिया. तो यहां पर पॉलिसी वैल्यू कितनी दी हुई है पहले तो हम बातें लिख लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे इसलिए देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू 75% ऑफ प्रॉपर्टी की जो भी वैल्यू है उसकी 75% कीमत तक या वैल्यू तक की इंश्योरेंस पॉलिसी मिली हुई है. तो 75% आप कितना रुपीज, एक्स रुपीज का प्रॉपर्टी वैल्यू तो हमने एक्स रुपीज लिया है. सॉल्व करेंगे 3/4x रुपीज इतना आ गया पॉलिसी में. ठीक है, हमें रेट ऑफ प्रीमियम और अमाउंट ऑफ प्रीमियम दोनों दिया हुआ है. तो रेट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू 0.7%. ठीक है भाई, हमें अमाउंट ऑफ प्रीमियम दिया हुआ है, तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम का फॉर्मूला क्या है, प्रीमियम का फॉर्मूला हमने दिया हुआ था 0.7% ऑफ पॉलिसी वैल्यू का 0.75% यानी क्या, 0.7% क्या देना है प्रीमियम बनना है. तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम तो दिया हुआ है 2,625 रुपीज दिया हुआ है. तो 0.7% ऑफ पॉलिसी वैल्यू कितनी है हमारी, 3/4x रुपीज 3/4x रुपीज का 0.7. सो सॉल्व कर लेते इसको, ये देखिए ध्यान से यहां पर क्या हो जाएगा. सबसे पहले 2,625 इज इक्वल टू ये 0 जाएगा तो नीचे से 0 भी चला जाएगा, 7/10 × 3/4x
सॉरी यहां पर मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया, ध्यान दीजिए। सो हम क्या करेंगे इसे, यहां ध्यान दीजिए। सर सिंपली क्या कर लेते हैं, 375,000। ये क्या गया पॉलिसी वैल्यू। और अब बताइए आपकी प्रॉपर्टी का डैमेज कितना हुआ भाई, 60% ड्यू टू फायर। इफ द बिल्डिंग इज डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 60% ड्यू टू फायर, तो यहां पर जो लॉस, लॉस का अमाउंट निकाले, तो लॉस का अमाउंट निकाले पहले आप इसमें नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अमाउंट ऑफ लॉस निकालूंगा, फिर हाउ मच कैन बी क्लेम अंडर द पॉलिसी वो भी निकालूंगा। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए। So, मैं यहां पर इसे रेज कर रहा हूं, मिटा रहा हूं और उसके बाद सॉल्व करूंगा। इतना हिस्सा मैंने इसका एडजस्ट कर दिया। मेन तो वहां पे दो चीजें हैं, हमें प्रॉपर्टी वैल्यू भी मिल गई और पॉलिसी वैल्यू भी मिल गई। क्वेश्चन में क्या दिया है कि इफ द बिल्डिंग इज डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 60% ड्यू टू फायर, तो बिल्डिंग दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी, बिल्डिंग इज डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 60%, that is 60% of property value. तो property value कितना आया है भाई, property value आई है हमारे पास 5 lakh rupees, 5 lakh rupees की बिल्डिंग है वो 60% डैमेज हो गई, तो डैमेज कितना हुआ, 6 by 30 और 4 0 1 2 3 4, that is 3 lakh rupees। तो property damage कितनी हुई है, 3 lakh rupees तक हुई है। तो हमें यहां पर अभी लॉस क्लेम करना है, तो एक्चुअली जो डैमेज हुआ ये तो लॉस है, यानी कि 3 lakh rupees का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो हम यहां क्या किया है, दैट इज लॉस, ये लॉस है हमारा 3 lakh rupees का। अब क्लेम के लिए फॉर्मूला क्या है, क्लेम इज इक्वल्स टू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। तो हम क्या करेंगे, यहां पर पॉलिसी वैल्यू कितनी हमारी है, प्रधान से यहां पर पॉलिसी वैल्यू 3,75,000 है, प्रॉपर्टी वैल्यू 5 lakh rupees है और लॉस कितने का हुआ है, 3 lakh rupees का हुआ है। तो हम कितना इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हैं, यह आंसर मिल जाएगा अभी। तो देखिए ये 50 से मैंने पहले तो 50 बढ़ा दिया, अब 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 7 35 करें टू 5 5 25 और 3 0 आ गए इंटू 3, मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 15 कैरी 1, 3 7 21 एंड 1 22, 2,25,000 rupees हम इंश्योरेंस पे कर सकते हैं। तो हाउ मच अमाउंट कैन बी क्लेम अंडर द पॉलिसी, तो 2 यहां पर आंसर दे रहा हूं रुपीज 2,25,000 कैन बी क्लेम अंडर द पॉलिसी।
अंडर दी पॉलिसी, दिस इज द फाइनल आंसर। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरह के अभी बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो दिस इज राइट फॉर मी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपने देखा अच्छी तरह से। अगर आप कंटिन्यू देते रहेंगे तो आगे मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन और सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए आप इसे देखते रहें अच्छी तरह से, समझते रहें, लोगों में वीडियो शेयर करें, वायरल करें, कमेंट करें, और अब जिन्होंने वीडियोस को या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहें आप।